लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सबका पीएमएस के इस कंपटीशन, इस दौर में, इस फेज में, एक तरीके से मैं बोलना चाहूंगा। मेरा नाम है ओशन शर्मा और हमें पता है कंपटीशन बहुत बेहतरीन जा रहा है। अंडरडॉग्स ने प्रभावित किया, अंडरडॉग्स ने गेम प्लेस एक अलग सेंस में, एक अलग स्टाइल में दिखाया है। उसी सबके साथ साथ एक ऐसी टीम आती है जिसको हमने अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हुए देखा है, चाहे वो गन्स के साथ हो, चाहे वो हील्स के साथ हो। इस टीम का सामना कोई और नहीं कर पाता। डिफरेंट मैच, डिफरेंट सिचुएशन, ये लोग अपने हिसाब से खेलते हैं। हम बात कर रहे हैं मेगा स्टार्स की, एक नोन नेम, एक बहुत बेहतरीन नेम, और अब तो ये बोल सकते हैं एक इंटरनेशनल डोमिनेटिंग नेम हम इस टीम को दे सकते हैं। सो इनके प्लेयर्स से जाने हैं कि इनके गेम स्टाइल्स क्या रहते हैं, इनकी अप्रोचेस क्या रहते हैं और इनके सिस्टमेटिक्स क्या रहते हैं जब भी गेम्स एंड मैचेस चलते हैं। सो बिफोर वी जस्ट बिगिन, व्हाई डोंट यू गाइस जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वन बाय वन। Hi, my name is Arthur Vedi. My game name is Megavexy and my role in my team is Fragger and my preferred combo is Mini and M4. Hello, my name is Paritse Bansal. My in-game name is Mega Paradox. The role in my team is the in-game leader and my favorite combo is M416 and DP28. Hello, my name is Rishabh. My in-game name is Encore. I play as a scout for my team. My preferred loadout is M4 and DP. Hi, my name is Rishabh Jain, aka Mega Swag. My endgame role is support Zolter and my favorite combo is M4 and AK. जी बिल्कुल, एंड ऑब्वियसली यू गाइस नो योर रोल्स द बेस्ट एंड जिसके कारण ये गेम प्ले निकल कर आता है। तो मैं पैराडॉक्स आपसे पूछना चाहूंगा, बीइंग द आई जेल, बीइंग दैट बैकबोन फॉर द टीम, पहला क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा कि आपने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं, बहुत जगह आपने लोहा मनवाया है, तो वो टूर्नामेंट्स वर्सेस पीएमआईएस की कंपटीशन आप किस तरीके से देखते हैं? सो एक्चुअली जो बाकी टूर्नामेंट्स हैं उनमें मतलब मोस्टली एक्सपीरियंस टीम मिलती है अपने को आगे स्टेजेस में जाके। पीएमआईएस में ऐसा है कि बहुत सारे अंडरडॉग्स हैं, तो सारे अंडरडॉग्स को एक भूख होती है जीतने की ना, तो अपने को थोड़ा अच्छा बेटर कॉम्पिटिशन मिल रहा है और लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक फेसिंग द अंडरडॉग्स, उनको मतलब कुछ जीतने की चाहत है, वो तो मतलब वो बहुत सही लगती है, तो उससे कॉम्पिटिशन काफी हैवी मिलता है अपने को, तो मजा आता है खेलने में। इनको इसी साथ आपके ऊपर एक क्वेश्चन के लिए आते हैं कि ये जो पीएमआईएस 2020 चल रहा है, बिकॉज देखो पीएमआईएस 2019 भी हुआ था, तब से अभी तक डिफरेंसेस बहुत सारे आए हैं, तो इस टूर्नामेंट से बेसिकली आपकी पर्सनल क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, आपकी आपकी टीम को लेकर? मेरी एक्सपेक्टेशंस तो वही है, हमें अपना बेस्ट देना, लाइक बहुत अंडरडॉग टीम है, मेटा लाइक थोड़ा सा चेंज होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तक जिनके अगेंस्ट खेलते आए हैं कंटीन्यूअसली पास्ट 2-3 मंथ से, लाइक उससे थोड़ी टीम्स तो डिफरेंट है ही, जैसे पैराडॉक्स ने बोला कि लाइक उनमें वो थोड़ा लाइक कुछ जीतने की चाहत है, तो वो कुछ ज्यादा ट्राई हार्ड करती है, तो मेरी टीम से मेरी एक्सपेक्टेशन यही रहेंगी, जैसे अपन लाइक पास्ट 2-3 मंथ से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आए हैं, लाइक हमारी टीम में एक ऐसा है कि हमारे चिकन डिनर्स कम आते हैं, बट फिर भी लाइक हम टॉप 3 पे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वही एक्सपेक्टेशन है इस बार चिकन डिनर ज्यादा लाइक नॉन वेजिटेरियन बनना पड़ेगा, तो वही है चिकन डिनर निकालेंगे एंड टॉप करेंगे। आपकी टीम में जैसे प्लेसमेंट पॉइंट्स आप निकालते रहे हो, पोजीशंस निकालते रहे हो पहले, और अब किल्स के लिए भी जा रहे हो, तो ग्राइंड कैसे किया उन सब चीजों के लिए, क्या क्या चीजें सीखी हैं इस सब जर्नी में? एक तो हमने बहुत ज्यादा कस्टम खेलना चालू कर दिए, जैसे 8 आवर्स हम कस्टम खेलते हैं रोज के, टूर्नामेंट्स बहुत होते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है इन सबकी, पोजिशन हम निकालते ही है अपना, पोजिशन के लिए जाते हैं तो किल्स अपना निकल जाते हैं जब सेंटर वगैरह होता है जोन पे, तो हम पे वैक्सी का भी हंस रहे हैं इस समय, तो वैक्सी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके अकॉर्डिंग टीम में सबसे बड़ा नखरेबाज कौन है? ज्यादा नखरेबाज मैं ही हूँ टीम में, सबसे पहले लूट हो जाती है एनकोर की, वो निकल जाता है और बोलते रहता है आगे आगे, मैं तब तक पूरे टाइम लूटता ही रहता हूँ और झूठ बोलता हूँ कभी कभी तो कि मेरे को कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला, और जब निकलते हैं तो मेरे को दिखता है M4 DP लेके निकल रहा है। ओके, तो वैक्सी अब मैं आपके ऊपर एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा एंड दिस काइंड ऑफ एन इजी वन, लेकिन आपको जरूर बताना है कि कोई ऐसी टीम जो आपके अकॉर्डिंग आप जिससे फाइट लेते हो, ऐसी टीम जिसको आप टारगेट करना चाहोगे कभी ना कभी, कि आपको जाना और बोलना कि हाँ इस टीम को मैंने अकेले ने 1v4 करना है कुछ करना है, कोई ऐसी टीम आपके माइंड में है? ऐसी टीम हाँ, M1 की टीम जो है उसमें जरूर ट्राई करूंगा 1v4 करने का, क्योंकि उन्होंने हमको काफी बार पैसे भी होल्ड करके मारा है और कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, तो कीप सपोर्टिंग अपने वर्ल्ड लीग में, पक्का इंडिया का नाम ऊपर लाएंगे पक्का पक्का।
So, ladies and gentlemen, boys and girls, हमने जाना मेगा स्टार्स के बारे में, जाना कि वो जो इंटरेस्टिंग मैच स्टाइल्स निकालते कैसे निकालते, वैसे से बातचीत हुई, पैराडॉक्स से बातचीत हुई, स्वैग से बातचीत हुई, इनकोर से बातचीत हुई, हर एक चीज इनका पॉइंट ऑफ व्यू जाने. एंड एज अ विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर पीएमआईएस एंड आगे जितने भी आपके फ्यूचर एंडेवर्स रहने वाले हैं. ऑब्वियसली आप लोग ग्लोबल डोमिनेशन के लिए जा भी रहे हैं, उस चीज के लिए भी आपके साथ पूरा का पूरा सपोर्ट रहेगा इंडियन ऑडियंस का हमारा, एंड आपके गेम प्ले देखकर बहुत मजा आता है. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दोस थिंग्स एंड Let's go! Let's go.